अस्सलाम स्टूडेंट्स, जी बताइएगा। क्वेश्चन 16 में कोई मसला तो नहीं आया आपको? हो गया टैली? एनी स्टूडेंट? जी आवाज आ रही मेरी? हो गया था ये? जी हो गया क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था। हो गया था। अच्छा मैं 16 के मुताबिक आपको एक चीज बता देता हूँ। 16 जो है वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और मैं इसका रेफरेंस भी आपको बता देता हूँ। ये पेपर है, लिख लीजिएगा स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है ये ठीक नहीं है, इसमें मसाइल है। आपका जो आई कैप का जो पास्ट पेपर का सॉल्यूशन आप देख सकते हो उसमें और इसमें डिफरेंस है। तो आपने जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपने करना है। ये आंसर नहीं आएगा जो आपका इसमें आ रहा है, ये तो मैंने कल देखा है इसमें, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर इसने लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट बिल्डिंग, बिल्डिंग जो आएगी ना ये आपकी आएगी, ये लिख लीजिएगा कि 2011.50 आएगी। ये गलत लिखा हुआ है इसने। प्लांट एंड मशीनरी का फिगर भी गलत है, ये 2155 है। करंट एसेट का टोटल बिल्कुल ठीक है। इसी तरह शेयर कैपिटल ओके है, शेयर प्रीमियम फाइन है। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का आंसर आएगा 3239.90। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो आंसर आएगा 241.60। लाइबिलिटीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए जरा क्लियर लिखीजिएगा, इसका ये आंसर नहीं है। आप पास पेपर ओपन कर लीजिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जिस मेथड से मैंने कराया उसी को फॉलो करो। इसने इसने पता नहीं क्या कुछ किया हो, मैंने देखा नहीं है कि किया क्या। क्वेश्चन 17 का बताओ क्या स्टेटस था। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया था। इसमें कोई चीज पूछनी हो? सर सर इसमें जो फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट है इसमें इंटरेस्ट वाला बता दें। अच्छा एंट्री नंबर 5, द लोन वॉज ग्रांटेड बाय वायल। वायल कौन सी कंपनी है ये देख लें पहले, पेरेंट है जी। लोन वॉज ग्रांटेड बाय वायल टू बीएल ऑन 1 जुलाई 2014 और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2016 को एंड कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 12% पेएबल एनुअली। द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 4 मिलियन ईच ऑन 30 जून 2016। बीएल इशूड अ चेक ऑफ रुपीज 5.92 मिलियन व्हिच वाज रिसीव्ड बाय वाईएल ऑन 2 जुलाई 2016। नो इंटरेस्ट हैज बीन अक्रूड बाय वाईएल। देखो पहली बात तो ये है, अगर वाईएल लोन दे रहा है बीएल को तो वाईएल बीएल के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट और वाईएल के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, एक इंटरेस्ट इनकम और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। हाँ अलबत्ता कंसोलिडेशन प्रोसेस में ये खत्म हो जाती है, ये नहीं आती, लेकिन और फिर जो इनके बैलेंसेस आ रहे हैं वो भी कैंसिल हो जाते हैं। अब हुआ ये है कि एक कंपनी ने इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर ली है बीएल ने और बीएल सब्सिडियरी है, यानी इसका मतलब उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन वाईएल ने इंटरेस्ट अक्रू नहीं किया। तो पहले तो वाईएल के अंदर इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करें, और वाईएल पेरेंट कंपनी है इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट
कितनी बनेगा वो बड़ा क्लियर यहीं से निकल आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 5.92 का चेक है जिसमें 4 मिलियन प्रिंसिपल अमाउंट है, 1.92 की जो अमाउंट आ रही है वो इंटरेस्ट इनकम होगी। तो इंटरेस्ट इनकम पहले ये रिकॉर्ड करेगा, जब रिकॉर्ड होगा तो देन कैंसिल होगा ना, तो पहले आप इसको रिकॉर्ड करो, यानी 1.92 मिलियन जब रिकॉर्ड होगा तो पेरेंट कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा। 1.92 को आप लेके जाओगे सिंपली कहां पर, वर्किंग 5 में प्लस करोगे, और उसके बाद फिर आप जो इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो जो बैलेंसेस आ रहे हैं इंट्रा ग्रुप वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी कैश इन ट्रांजिट में आ जाएगा, यानी ये 5.92 जो है ये कैश इन ट्रांजिट में आ जाएगा। समझ आई बात या और तो, और फिर करवा करके दिखाऊं? जी सर समझ आ गई, थैंक यू। और कोई एंट्री इसमें? सर एक बात पूछनी है। जी जी सर, ये जो हम इनकम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं या वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सर इसमें वो जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज हैं एसएफपी में आते हैं वो तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये जो इनकम और एक्सपेंस है ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहा होता ना, ये तो उनकी रिटेन अर्निंग में भी आ रहा है, एक की भी और दूसरी की भी आ रहा है, तो ये तो आपस में कैंसिल नहीं होते एसओसीआई में, तो हम ये निकाल देते हैं इन दोनों को। देखिए ये कैंसिल हो रही है बिल्कुल, आप कैसे कह सकते हो कैंसिल नहीं हो रही? ये जितनी अमाउंट आ रही है इसके अंदर एक में इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, एक में इंटरेस्ट इनकम है। अगर मैं एक में से इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दूं, दूसरे की इंटरेस्ट इनकम में माइनस कर दूं, तो टोटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो अगर आपका पी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 60 है मिलियन, एस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 40 मिलियन है, ठीक है, और ये टोटल कितना आ रहा है 100 मिलियन। अब मैं कहता हूँ जी पी कंपनी में इंटरेस्ट इनकम शामिल है 2 मिलियन की और इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस शामिल है 2 मिलियन का, जब मैं यहाँ से इनकम माइनस करूंगा इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी 58, और इधर से अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 42, तो ये 100 उतना ही आ रहा है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे होते हैं। इग्नोर नहीं हो रहा था सर, असल में ये कैंसिल हो रहे होते हैं लेकिन ओवरऑल इफेक्ट नहीं आता इसमें। सर वो आप मेथड बताया है इसको, हम जो वो निकालते हैं प्लांट वगैरह या जो भी पीपीई वगैरह की एडजस्टमेंट होती है फेयर वैल्यू के अलावा, एक्विजिशन के अलावा जो बाद जो ट्रांसफर वगैरह होता है सेल वगैरह, सर उसमें जो आपने मेथड से फाइंड किया था बुक में सर आंसर चेंज है और आपने जो किया वो आंसर चेंज आ रहा है, और दूसरा जो है वो अगला वाला सर ये जो कल आपने वो किया था सॉफ्टवेयर वाला शायद उससे शायद वो जो है ना वो चेंज आ रहा है सर। हसन लिमिटेड, हसन लिमिटेड वाला ये वाला सर, गोल्डन लिमिटेड, गोल्डन वाला तो अभी मैंने अभी आपको बताया, आप मेरे ख्याल शायद लेट ज्वाइन किया आपने, मैंने अभी बताया कि आपका बुक का जो सोल्यूशन है वो ठीक नहीं है। अगर आपको मैंने रेफरेंस भी दिया है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और पास पेपर का ये क्वेश्चन का मैं फिर बोल देता हूँ आपको, ये मैं लिखे हुए सारे स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और आप आई कैप का पास पेपर का सोल्यूशन देखो तो वो इससे डिफर कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अभी आपको इसके करेक्ट आंसर भी लिखवाए हैं। भी क्लास स्टार्ट होने से होते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया है, तो इसलिए इसमें जो गोल्डन लिमिटेड का जो इसमें बुक में आपको सोल्यूशन दिया हुआ है स्टडी टेक्स्ट में, दैट इज नॉट फाइन, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने पहले भी यही कहा है कि आप जो मैंने सोल्यूशन दिया है उसको फॉलो करो, वो आई कैप के पास पेपर के सोल्यूशन का आंसर से 100% टैली करता है, यहाँ पर इसमें मिस्टेक्स की हुई है, समझ आ रही बात? काफी मिस्टेक्स है, ठीक है सर। आप इसका ना स्प्रिंग 20 जो मैंने बोला ना, मेरे ख्याल 17 बोला है, इसका आज सॉल्यूशन देखिएगा पास पेपर का, और उसका आप देखेंगे तो आपसे टैली हो जाएगा, अगर टैली ना हो तो फिर जो चीज नहीं टैली हो रही वो डिस्कस कर सकते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा 17 में और कोई मसला नहीं, हो जाएगा।
मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए? मुझे लगता है कोई भी नहीं कर रहा क्वेश्चन, सो आई एक दो स्टूडेंट्स के हैं। सर 17 तक दिए थे आपने? 17 तक दिए थे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डेली जो है ना एक दो दो क्वेश्चन देने हैं और मैंने आगे बढ़ना है आगे। जहां मसला आएगा सिर्फ वो हिस्सा डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है जैस्मीन लिमिटेड 18, और ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है आपने नहीं करना, ये वाली वाला बेशक ना करें, ये पास पेपर का नहीं है। 18 भी पास पेपर का है, और 18 का जो क्वेश्चन है स्प्रिंग 2018 में आया हुआ है, दिस वन जैस्मीन का। इसको भी पढ़ लेते हैं एक दफा, मैं आपको समझा देता हूँ एडजस्टमेंट खास तौर पे। देखो ये फाइनेंशियल पोजीशन, ड्रॉट फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है दोनों कंपनीज की, और ये 34 दिसंबर 2017 की है। इस पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन एस और लोन टू जेएल। इस क्वेश्चन में एसएल लोन दे रहा है जेएल को, आमतौर पे पेरेंट दे रहा होता ना, या सब्सिडी लोन दे रही है किसको, पेरेंट को। बाकी तो करंट एसेट और ये लोन फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर एक चीज और गौर से देखें, ये लोन जो दिया हुआ है ना एसएल ने, ये 120 का है और यहाँ इसकी बुक में 96 आ रहा है, तो यकीनन इसमें कैश इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, जीएल एक्वायर्ड 75% शेयर ऑफ एसएल ऑन 1 जनवरी 2017। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जीएल्स बुक कंसिस्ट ऑफ 10 मिलियन जीएल ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड एट 24 पर शेयर एंड कैश पेमेंट ऑफ 280 including professional fee of 10 million for advice of acquisition of SL. ये 10 million हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी ये वाला accounting treatment हम discuss कर चुके हैं। आप लोगों से पूछूंगा क्या करना है इस 10 million का? सर इसे purchase consideration से निकाल देना और expense record कर देना है, मतलब के working में ले जाना जहां पे group retained earning में से minus हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, यानी आप इसको capitalize नहीं कर सकते ना, तो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से आप गुडविल निकालते हो, वहां से आप इसको माइनस करोगे। आप ये देखो इन्वेस्टमेंट 520 की आ रही है ना, आप इसको 510 पे ले जाओगे, ठीक है। और उसके बाद जो 10 मिलियन की अमाउंट है वो ग्रुप वर्किंग फाइव यानी ग्रुप रिटेन अर्निंग में आप इसको एक्सपेंस आउट कर दोगे। उसके बाद नंबर टू यानी माइनस हो जाएगा, ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट एसेट वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इनटेंजिबल एसेट ब्रांड whose fair value was 40 million as against carrying value of 25 million. 15 million se increase ho rahi hai. Remaining useful life of brand is estimated at 5 years. Aur jo remaining useful life of brand ki wo 5 saal hai. The recoverable amount of brand at 31st December 2017 was estimated at 28 million. Acha ye zara aap dhyan se samjhiyega. इसमें दो चीजें आ रही है, एक तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है आपकी इनटेंजिबल एसेट की, 40 मिलियन का एसेट फेयर वैल्यू है और कैरिंग वैल्यू 25 मिलियन है, ये 15 मिलियन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये तो ऐड होगा। उसके बाद फिर एमोर्टाइजेशन आएगी, 5 ईयर लाइव है और 1 साल की एक्विजिशन है, तो 1 साल की एमोर्टाइजेशन आप रिकॉर्ड करोगे जो कि 15 / 5 = 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साल के एंड पे लिखा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ब्रांड एट 31st December 2017 वाज एस्टिमेटेड एट 28 मिलियन। यहाँ इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है, क्योंकि इस वक्त मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, 40 माइनस यानी 40 मिलियन का आपकी कैरिंग फेयर वैल्यू होगी, ठीक है, और इसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, 5 ईयर पे 8 32 रह गया और रिकवरेबल अमाउंट जो है 28 है। और हमने IS 36 में क्या पढ़ चुके हैं, when the carrying amount of asset is greater than its tax base 28 है और carrying amount 40 million 32 million है जो कि ज्यादा है, तो 4 million का जो difference आ रहा है ये impairment loss है, और इस ये impairment loss भी working 2 में ले जाओगे second column में, ठीक है। Next number 3, GL values NCI interest at fair value. The market price of SL share was 36 at the date of acquisition, which was increased to rupees 40 as of 31st December 2017. इसको please कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक शेयर प्राइस चाहिए होती है एट एक्विजिशन डेट। जस्ट उसने कंफ्यूज करने के लिए दूसरी वैल्यू दे दी, दोबारा रीमेजर नहीं किया जाता है, ठीक है।
JL and SL showed a net profit of 260 million respectively for the year ended 31st December 2017. ये जो आपको for the year profit दिया हुआ है, ये इसके अंदर include होता है. इसको जब minus करोगे तो pre-acquisition profit आ जाएगा acquisition date में, ठीक है? Loan was granted on 1st July 2017, carries a markup of 10% per annum. Check of rupees 30 million including interest was dispatched by JL on 31st December 2017, but was received by SL after the year end. No interest has been accrued by SL in the financial statement. SL ne interest record nahi kiya. Ab SL ne interest record nahi kiya. Aur SL subsidiary hai. Aur SL ne loan diya hua hai. To yakini baat hai ki SL ne interest receive karna hai. To ye uske accrued income hogi. Aur accrued income net assets ko badhati hai. इसका अक्रूड अक्रूवल कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगी वो आप वर्किंग टू में इसको प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि एस कंपनी से रिलेट करती है. उसके बाद 1st May 2017 एसएल सोल्ड ए मशीन टू जेएल फॉर 52 मिलियन एट अ गेन ऑफ 12 मिलियन. 12 मिलियन के गेन पर आपने इसको सेल किया है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां से आपका निकल आएगा. यानी ये 12 मिलियन आ गया अनरियलाइज्ड. हाउएवर नो पेमेंट हैज बीन मेड बाय जेएल. रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 2 ईयर. ये आप कर चुके हो एडजस्टमेंट, की कोई नहीं नहीं इजीली हो जाएगी. ड्यूरिंग द ईयर जेएल मेड अ सेल ऑफ 250 टू एसएल एट 20% अबव कॉस्ट. दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एसएल क्लोजिंग स्टॉक. ये भी हो जाएगी. सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो सेलर है वो पेरेंट है, ये वर्किंग 5 में आएगा. SL declared interim cash dividend of 10% in November 2017, which was paid on 2nd January 2018. Dividend has been correctly recorded by both companies. So, इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? Then, बस ये question अब एक ही है, ये आपने करना है, this one. और इसके बाद फिर हमारा अगला chapter में मैं question दूंगा, इसमें से एक दो करवाऊंगा, लेकिन आज मैं move कर रहा हूँ associate की तरफ. आज हम थोड़े से discussion को आगे बढ़ाएंगे associate. क्योंकि वो मेरा एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है, वो उम्मीद है आज ही हम इसको खत्म कर देंगे. एसोसिएट. अच्छा, एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? सब्सिडियरी तो हम पढ़ चुके हैं. सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जिस पर आपका कंट्रोल आ जाए. कंट्रोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि पावर, इतनी पावर आ जाए कि आप उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, उनके डिसीजंस को, डायरेक्टर्स को, उनके ऑडिटर्स को रिमूव कर सके. नॉर्मली 50% से जब ज्यादा वोटिंग राइट आते हैं तो हम उसको सब्सिडियरी पेरेंट का रिलेशन देते हैं. एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 20% से लेकर 50% तक आपकी इन्वेस्टमेंट हो. कंट्रोल नहीं है लेकिन इसको हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कि आपके पास इतने शेयर्स हैं कि आप इनके डिसीजन पर असर अंदाज हो सकते हैं, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक होता है ना कि आप जैसे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, मेजर स्टेक होल्डर, तो एसोसिएट कंपनी में जब आप इतने शेयर खरीद लेते हैं तो आप उनके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है? और दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एसोसिएट के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड यूज होता है वो IS-28 है. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. अब एसोसिएट इज नॉर्मली कंसिडर्ड आउटसाइड ऑफ द ग्रुप, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, आउटसाइड ऑफ ग्रुप. इसको ये वर्ड हमने क्यों यूज किया आउटसाइड ऑफ ग्रुप? रीजन ये है कि जब पेरेंट और सब्सिडियरी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो हम पी प्लस एस करते हैं, जो अभी हम पढ़ के आए. लेकिन अब अगर मेरे पास एक कंपनी है पी, एक कंपनी एस और एक कंपनी ए, पेरेंट कंपनी, इसने 70% शेयर खरीदे हुए एस कंपनी के, पेरेंट कंपनी जिसने 30% या 25% शेयर खरीदे हुए एसोसिएट में.
अब इसका मतलब है कि एस कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी हुई पेरेंट कंपनी के लिए, और ए कंपनी जो है एसोसिएट कंसिडर होगी पेरेंट कंपनी के लिए। अब जिस वक्त मैं कंसोलिडेट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो प्लीज याद रखिएगा एसेट और लाइबिलिटी वाला रूल जो है वो पी प्लस एस पे ही अप्लाई होगा, ए पे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया कि ए जो है एसोसिएट जो है वो हमारी आउटसाइड ऑफ द ग्रुप कंसिडर होती है, ठीक है। लेकिन इसको अकाउंटिंग में ट्रीट कैसे किया जाना है वो इस स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में, ठीक है। इसमें जो हमारी अकाउंटिंग यूज होती है उसको हम नाम देते हैं इक्विटी अकाउंटिंग, एंड इट इज इंटायरली डिफरेंट एंड कॉस्ट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इक्विटी अकाउंटिंग। यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो इक्विटी अकाउंटिंग के थ्रू आप कंसोलिडेटेड ग्रुप बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और इक्विटी अकाउंटिंग हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी के सबसे पहले जी कहता है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शेल बी रिकॉग्नाइज्ड, शेल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड, यानी जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की है उस दिन रिकॉग्नाइज होगी एट फेयर वैल्यू, यानी कॉस्ट भी लिख सकते हो क्योंकि बुक्स में कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन उस जिस दिन आप शेयर्स खरीद रहे हो वो इक्वल टू फेयर वैल्यू होता है। मतलब आज अगर मैं शेयर खरीद रहा हूँ जो उस दिन की प्राइस है उसी पे खरीदूंगा ना, तो वही मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो इसको इनिशियली हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या होता है, सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट शेल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, ऑफ एसोसिएट इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ एसोसिएट से। एसोसिएट अगर एसोसिएट कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, उसका जितने परसेंट हमारी होल्डिंग है उस प्रॉफिट से या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी ये जो चीज लिखी है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। दो नॉर्मल, यानी एक वो मेथड जो कि हम आम तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए डील करते होते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट नॉर्मल जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो जो IFRS 9 का है रूल, IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट को हम जब डेबिट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई और कैश क्रेडिट हुआ, ये इनिशियल एंट्री हो गई। सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट की 75,000 की, मैं ये जो दोनों करने लगा हूँ ये इक्विटी अकाउंटिंग और IFRS 9 के मुताबिक जो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं या फेयर वैल्यू यूज करते हैं उसमें फर्क क्या है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपने इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली, अब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका प्रॉफिट जो हुआ है वो 100,000 है, और सपोज आपकी होल्डिंग जो है वो 20% है। अगर मैं इक्विटी अकाउंटिंग यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा तो मैं इस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, ठीक है। यानी इसका जो प्रॉफिट है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसकी नॉर्मल हम कोई एंट्री पास नहीं करते। भाई ये उस कंपनी का प्रॉफिट है और ये तो प्रॉफिट हुआ है, हमें मिला तो नहीं है ना, इसलिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते। लेकिन फिर कंपनी डिविडेंड देती है, अब कंपनी इसमें से 8,000 रुपीज का डिविडेंड हमें देती है,
यानी जो हमारा शेयर है डिविडेंड का वो 8000 है। तो जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ये बड़ा जरूरी है जो ये मैं एंट्रीज कर रहा हूं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, इक्विटी अकाउंटिंग और इसमें फर्क क्या होता है, कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अच्छा, जब साल खत्म होता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रीमेयर करते हो IFRS 9 के मुताबिक, यानी रीमेयर करें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है आज इसकी वैल्यू क्या है। हम कहते हैं जिसकी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो 80,000 पर आ चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी 75,000 है, 5,000 से ये आपकी इंक्रीज हो रही है रीमेयरमेंट। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस या एसओसीआई को क्रेडिट कर देंगे। ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये एसओसीआई पे कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है उसके कौन से आपके उसमें फॉल कर रहा है, ठीक है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या आपने इरेवोकेबल इलेक्शन लिया है जो IFRS 9 में पड़ा था। तो अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जा रही है तो 5,000 की अमाउंट जाएगी, यानी टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में 13,000 किया। इक्विटी अकाउंटिंग में देखें आप क्या करेंगे इसी के सामने। अब ये जो यहां से मैं एंट्रीज ले रहा हूं ये इक्विटी अकाउंटिंग, इक्विटी अकाउंटिंग के तहत इनिशियली जो आप पहले एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो तो सेम होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, और इसके साथ इन एसोसिएट का वर्ड हम लाजमन ऐड करते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ कंपेरेटिव पॉइंट से कर रहा हूं। अच्छा, अब इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हमारा बन रहा है, 100,000 का प्रॉफिट अर्न किया एसोसिएट कंपनी ने और इसका 20% शेयर हमारा है, यानी 20,000 से मैं बकायदा यहां पर एंट्री पास करूंगा। और एंट्री क्या पास होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, ये ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में मेरा चला जाएगा वर्किंग 5। जबकि इसके केस नॉर्मली हम कोई एंट्री पास नहीं करते IFRS 9 के थ्रू। अच्छा, अब जब हमें डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं इनकम में, यहां ऐसा नहीं करेंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। यानी ये हम अब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असल में ये जो 8,000 का डिविडेंड हमें मिल रहा है ये इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में, और प्रॉफिट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर चुके हैं, उसमें से हमें 8,000 मिल गया। सो इसमें इक्विटी अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऐसे काम कर रहा होता है जैसे रिसीवेबल है हमारा, ये रिसीवेबल अमाउंट, जैसे रिसीव होगा तो इसको कम कर देंगे, जैसे ही आपका प्रॉफिट आएगा तो मेरा रिसीवेबल अमाउंट बढ़ जाएगी, ये कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करूंगा। उसके बाद साल के एंड पर जाकर हम रीमेयर करते हैं, यहां रीमेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों में अब आप मेजर डिफरेंस देख सकते हो कि व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी अकाउंटिंग और जो अकाउंटिंग विच इज नॉर्मली यूज इन IFRS 15 या नॉर्मल रूटीन में आप इसको जो यूज करते हो ये वो आ जाएगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हो यहां तक तो पूछेगा, क्योंकि मैंने अगली स्लाइड पे मूव करना है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ। जी फाइन, अब इससे आगे बढ़िएगा। लेकिन अब मैं दोनों चीजों को लूंगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है ना, वो आपका पेरेंट और सब्सिडियरी और एसोसिएट तीनों को आएगा कॉम्बिनेशन में, ये नहीं हो सकता पेरेंट और एसोसिएट का दे दे, पेरेंट एसोसिएट का क्वेश्चन नहीं बनता। उसकी बेसिक वजह है कि उसमें तो एडजस्टमेंट ही कोई नहीं होती,
ठीक है, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की मैं जब डिस्कस करूंगा, हमारे पास अब तीन कंपनीज हैं, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट। रूल अब भी वही रहेगा, जब मैं कंसोलिडेट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्लस करूंगा। एसोसिएट का मुझे कोई एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करनी, ठीक है, ना कोई एसेट रिकॉर्ड करूंगा ना कोई लाइबिलिटी, क्योंकि अभी हमने बात की कि एसोसिएट शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड ऑफ द ग्रुप। वो आउटसाइड ऑफ द ग्रुप बस जस्ट मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए एसोसिएट के ना एसेट ऐड होंगे ना एसोसिएट के लाइबिलिटी हम ऐड करेंगे। हाँ अलबत्, अब जो हमने इसके मुताबिक लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन एसोसिएट शेल बी रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट लाइन आइटम। ये प्लीज किसी में मर्ज नहीं करना, सेपरेट लाइन आइटम इन नॉन करंट एसेट। जब नॉन करंट एसेट आप लिखते हो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जैसे ये आप नॉन करंट एसेट की हेडिंग देते हैं, तो यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं जिसमें गुडविल वगैरह भी शामिल हो जाती है, और यहां पर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को सेपरेट शो करना, एक सेपरेट लाइन आइटम, सिर्फ एक लाइन, और इसकी वर्किंग बनाकर हम इसको लेकर आते हैं। उसके बाद सेकंड, अदर इन्वेस्टमेंट, कोई और इन्वेस्टमेंट होगी तो वो सेपरेट शो होगी एज इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, इसमें मर्ज नहीं करना आपने, इसलिए मैंने ऊपर बड़ा क्लैरिटी में लिखा है इज अ सेपरेट लाइन आइटम में आप शो करोगे इन नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इफेक्ट आता है वो कहाँ कहाँ आएगा वर्किंग्स में, अभी कोई एडजस्टमेंट मैंने नहीं ली, विदाउट एडजस्टमेंट वर्किंग वन, अब मैं एक एक लिख रहा हूं सिंपल, एक एक लफ्ज सेम रहेगी, लेकिन वर्किंग वन में आप शो करोगे एसोसिएट भी, एसोसिएट यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका होल्डिंग बता दो, इसमें एनसीआई नहीं होता, सिर्फ बता दोगे कि एसोसिएट की होल्डिंग कितने परसेंट है और किस डेट को एक्वायर किया है, इसकी एसोसिएट के हवाले से सिर्फ होल्डिंग और डेट ऑफ एक्विजिशन आप लिखो वर्किंग वन। वर्किंग टू में कोई जरूरत ही नहीं है आपको, किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग टू सेम रहेगी और ये नेट एसेट बनेंगे ऑफ सब्सिडरी। वर्किंग थ्री गुडविल एसोसिएट, अभी मैंने आपसे डिस्कस की कि इट शैल बी ट्रीटेड एज आउटसाइड ऑफ द ग्रुप, एसोसिएट का कोई एसेट, एसोसिएट की कोई लाइबिलिटी हम प्लस नहीं कर सकते, तो गुडविल भी रिकग्नाइज नहीं हो सकती क्योंकि गुडविल भी एक एसेट है, ठीक है, नॉन करंट एसेट है, तो गुडविल जो है ये भी मेरी सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इवन वर्किंग फोर की जब बात करूं एनसीआई, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, इसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों फर्क नहीं आएगा, उसकी रीजन क्या है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एनसीआई तो वो होता है ना जहां कंट्रोल आ जाए, 80% कंट्रोल है और 20% ऐसे शेयर होल्डर है जिसके पास कंट्रोल नहीं है। अब अगर मैंने 20% शेयर खरीदे हैं तो 80% एनसीआई तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरा उस कंपनी पे कंट्रोल ही नहीं है, तो लिहाजा एनसीआई उसी का निकलेगा जैसे पहले कर रहे हो। हाँ अलबत्ता वर्किंग फाइव में आइएगा, जब वर्किंग फाइव में आप आते हो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग एडजस्टमेंट के अलावा मैं जीआरई बना रहा हूँ, वो तो आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप पी कंपनी की रिटेन अर्निंग लेते हो और ये एज इट इज उठा लेते हैं, फिर आप एस कंपनी की रिटेन अर्निंग लेते हैं पोस्ट एक्विजिशन और इसको कन्वर्ट करते थे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ऑफ होल्डिंग
इन एस, कि कितने परसेंट एस में आपकी होल्डिंग है। अगर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहां पर अब एसोसिएट कंपनी की रिटेन अर्निंग भी आएगी, और एसोसिएट की कंपनी की रिटेन अर्निंग भी सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन में होगी। जिस दिन से आपने उसको एक्वायर किया था, एक्वायर से मतलब जितने जब आपने शेयर किए लिए थे, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उसका जितना भी प्रॉफिट है वो यहां ले आओगे। अभी पिछली स्लाइड में मैंने एक एंट्री की थी कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी और जीआरई क्रेडिट होगी। तो ये जीआरई क्रेडिट कर रहा हूं और इसको कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन एसोसिएट, जितनी मेरी होल्डिंग एसोसिएट में है उसके मुताबिक मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। ये अगेन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है जी। ये जीआरई पे इफेक्ट आएगा अभी तक, बाकी एडजस्टमेंट जो पेरेंट और सब्सिडियरी की पड़ी है वो आएंगी उसी तरह, जिसमें अनवाउंडिंग है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है, जितनी भी है वो सारी यहां पर आएगी। अच्छा, अब वर्किंग सिक्स आपकी एक नई बनेगी। अब इस वर्किंग में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, इस हेडिंग को हेडिंग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये वो वर्किंग है जो आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लेकर जानी है। This is working number 6, investment in associate. Wording को ज़हन में रखिएगा, initially investment in associate shall be recorded at cost. ठीक है, तो ये आपकी initial amount आ जाएगी जो आपने investment की है। आप इस amount से start करोगे initial recognition से। इसमें जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो ऊपर भी ऐड किया है, यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ए इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन ए, जितनी आपकी ए में होल्डिंग है। अगर मतलब ए ने प्रॉफिट अर्न किया, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 100,000 का और 20% मेरी होल्डिंग है, तो 20,000 का प्रॉफिट हम यहां पर प्लस करते हैं, और अगर लॉस है तो नेचुरली माइनस होगा। और फिर जितना डिविडेंड आप रिसीव करते हो, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए वो आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से कम हो जाता है। अब ये जो फाइनल अमाउंट आएगी, इसकी एंट्री भी हमने पढ़ी थी, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट पिछली स्लाइड में, ठीक है, और इसको हम प्लस माइनस करेंगे। दिस वन इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो आपकी ये वर्किंग सिक्स में शो, ठीक है। अब अगर अगर पेरेंट और सब एसोसिएट के दरमियान कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएंगे। अगर बी और ए के दरमियान कोई बैलेंस आ रहा है, वो इंट्रा ग्रुप बैलेंस नहीं कहलाएगा, और ना ही उसको हम कैंसल करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए एसोसिएट इज नॉट अ ग्रुप। हाँ, एक दो एडजस्टमेंट आती है, उसकी डिस्कशन में अभी नहीं कर रहा, अभी मैं पहले जरा बेसिक लेवल पे जाकर आपको बता रहा हूँ, सिर्फ दो एडजस्टमेंट आनी और कोई भी नहीं आनी एसोसिएट से रिलेटेड, बाकी सारी कुछ आपने सब्सिडरी का लेना है, ठीक है। इसी तरह जब मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आऊंगा, तो यहां पर तीन कंपनी उसी तरह मैं लिख रहा हूं पी एस ए। हमने क्या रूल पढ़ा था, रूल वही रहेगा, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शैल बी एडिट एज लाइन बाय लाइन आइटम ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। एसोसिएट का कोई रेवेन्यू हमारे रेवेन्यू में प्लस नहीं होगा, एसोसिएट का कोई एक्सपेंस हमारे एक्सपेंस में प्लस नहीं होगा, हम सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस जो प्लस करेंगे वो पेरेंट और सब्सिडरी का। तो फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, जो आपने एसोसिएट के की है, तो आप लिखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ
शेयर का वर्ड मैंने लिखा, यानी उसका जो प्रॉफिट कन्वर्ट करने के बाद, इन फ्रॉम एसोसिएट, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है एसोसिएट का, उसका जो हमारा शेयर बनता है, शेल बी रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट लाइन आइटम, एक लाइन में आपने उसको लिखना है, सेपरेट लाइन आइटम इन अदर इनकम। जब हम एसओसीआई बना रहे होते हैं उसमें जो अदर इनकम की कैप्शन होती है या हेडिंग होती है, उस हेडिंग में आप सिंगल लाइन में इसको शो कर दोगे। जैसे एसओसीआई में जब आप अदर इनकम लिखते हैं तो यहां पर सिर्फ लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है जी, तो ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ऑफ ए, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, उसको मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में कन्वर्ट करके लिखूंगा। और यहां परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जो है वो इन ए है, क्योंकि दो होती है ना, एस बी होता है इसमें, तो इसलिए क्लियरली लिख रहा हूं इन ए। ये जितनी अमाउंट आएगी आप यहां पर शो कर दोगे। ठीक है, सेकेंडली अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी तो हो सकती है, ये तो है नेट प्रॉफिट। एसओसीआई के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। जब दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। ठीक है, तो लिहाजा जो इसके बाद जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आएगी वो भी पोस्ट एक्विजिशन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ ए, उसको भी आप इसी तरह लिखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ ए, यानी ए कंपनी की जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है उसका जितना हमारा शेयर होगा वो भी हम यहां पर शो करेंगे, इधर प्लस और माइनस। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन एसोसिएट। लेकिन अगर कोई कंपनी एसोसिएट से कोई डिविडेंड रिसीव करती है वो अदर इनकम में नहीं आएगा, बल्कि डिविडेंड जितना रिसीव होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम उसको माइनस करते हैं, उसके अगेंस्ट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये दो एंट्रीज बड़ी जरूरी हैं, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, कि मैं दोबारा कर रहा हूं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें हम अपना शेयर जब कैलकुलेट करते हैं उसकी हम एंट्री पास करते हैं, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हम डेबिट कर देंगे, और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट करेंगे। अभी सेंट्री का इफेक्ट देख लीजिएगा आप कहां कहां जा रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है ये मैंने डेबिट की, ये यहां पर प्लस हो गया, और ये जीआरई क्रेडिट हो रही है तो जीआरई में जाके प्लस हो जाएगा दिस वन। उसके बाद जब आप डिविडेंड रिसीव करते हो एसोसिएट से, डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट, उस सूरत में हम कैश को डेबिट करते हैं, कैश हमें मिल रहा है, लेकिन डिविडेंड इनकम को क्रेडिट नहीं करते, हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करते हैं। और जैसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट किया हमने, ये अमाउंट हमारी यहां से खुद बहुत माइनस हो। ठीक है, इस पूरे ट्रीटमेंट को हम कहते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। अब इसमें आप देखो तो एसोसिएट से रिलेटेड सिर्फ एक लाइन आइटम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही है, और एक लाइन आइटम आपकी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और नेट इनकम यानी अदर इनकम में आ रही है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप यहां तक कोई क्वेश्चन करना है तो करो, फिर मैं जो दो एडजस्टमेंट यहां आनी है उसकी डिस्कशन करो। जी एनी क्वेश्चन?
ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब आ जाएगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ऐसी है जो हमारी इसको इफेक्ट करेगी, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अच्छा अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जितनी जो भी एसोसिएट कंपनी है वो हमारी आउटसाइड ऑफ द ग्रुप कंसीडर हो रही है। भाई जब आउटसाइड ऑफ द ग्रुप है तो मुझे आप बता दो फिर तो उसके कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन नहीं होगी, फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्यों हम ले रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट ना करें, ठीक है? मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, ठीक है? तो ये हमारी बेसिकली एक रिलेटेड पार्टी हो जाती है और IS-24 इस पे एप्लीकेबल होता है जो हमारे सिलेबस पे नहीं है, ठीक है? तो वो ये कहता है कि इस किस्म के जितनी ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी के थ्रू है उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम शो नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये मैनिपुलेशन में लेकर जाता है। अब यहां पर दो सिचुएशन होती है, मैं सबसे पहले इन्वेंट्री को लूंगा जिस तरह पहले ले रहे थे। अब दो सिचुएशन हो सकती है। नंबर वन, सेलर इज पेरेंट, यानी इन सिंपल वर्ड्स पी सेल्स गुड्स टू ए, अगर पी ने ए को गुड सेल किए हैं तो मुझे बताइएगा प्रॉफिट एलिमेंट किसकी बुक में आएगा? प्रॉफिट एलिमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ पी, और इन्वेंट्री का इफेक्ट कहां जाएगा? इन द बुक ऑफ ए। अच्छा जिस वक्त हम ये, अब हमें बेसिकली यहां पर भी ये होता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट खत्म करना होता है, लेकिन यहां पर सारा अनरियलाइज्ड खत्म नहीं होता, सिर्फ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का उतना पोर्शन लेस करेंगे या उतना एडजस्ट करेंगे जितना हमारा शेयर है। मसलन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा है 60,000 का, तो वो तो वही है उसी तरीके से जो इन्वेंट्री में मौजूद है, लेकिन उसका अगर 20% होल्डिंग है हमारी तो 20% में एडजस्ट करूंगा। अब जब मैं प्रॉफिट एलिमेंट रिड्यूस करता हूं, यानी इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करूंगा, जब रिड्यूस करूंगा तो पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, जिसका इफेक्ट कहां जाना चाहिए? ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में, यानी ये जो हिस्सा है ये डिडक्ट हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग से। अच्छा अब इन्वेंट्री जो है, अब इन्वेंट्री को जरा गौर से देखिएगा, इन्वेंट्री जो है वो किस कंपनी की? ए की। अच्छा जहां तक एसेट का तल्लक है, ए कंपनी का एसेट तो हमारी बुक में आना ही नहीं है, उससे अगर वो ओवरस्टेट है तो स्टेट है, इट डजंट मैटर, लेकिन हम यहां इन्वेंट्री को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं उसके प्रॉफिट के इंपैक्ट से, यानी उसने जो CGS कैलकुलेट की है उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा ली है क्लोजिंग स्टॉक। अब उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक में माइनस करता हूं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो नेचुरली मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? यानी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट पे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू CGS। अब अगर ये सपोज, मैं समझाने के लिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ले रहा हूं, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है ए कंपनी का वो 6,000 आ रहा है, इसमें 500 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जब मैं 500 इसमें से कम करूंगा तो ये 5500 हो जाएगा, जब ये कम होता है तो अब आप मुझे बताइएगा कि कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज? अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होती है तो कॉस्ट विल इंक्रीज, इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो अल्टीमेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है? प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट विल डिक्लाइन, प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट विल डिक्लाइन। अब एसोसिएट का प्रॉफिट अगर मैं कम कर रहा हूं तो एसोसिएट का जितना प्रॉफिट है वो तो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है? तो लिहाजा किसमें? इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे,
और यहां पर डिडक्ट करेंगे दूसरा इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एसोसिएट। ये जो हेड है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एसोसिएट, इसमें से जाकर हम इसको लेस कर देंगे। इसकी जो जनरल एंट्री बनी है वो क्या बनी वो देख लीजिएगा। जनरल एंट्री हम इसमें डेबिट करेंगे, देखिए जीआरई से डिडक्ट कर रहे हैं, हम डेबिट करेंगे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को, और इसके बराबर क्रेडिट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। देखो जिस वक्त आप इससे पहले जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है बिफोर एडजस्टमेंट, वो जितना भी होता है वो इन्वेस्टमेंट में आप प्लस करते हो, तो अगर वो प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ हुआ है तो इसका मतलब मुझे इसको कम करना है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमारी बुक में ओवरस्टेट हुई हुई है उसके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वजह से, उसे अब हम एडजस्ट कर रहे हैं, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये एंट्रीज आपको एग्जाम में रटी हुई होनी चाहिए, इसलिए कि इसी के थ्रू आपने सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है। ये हिस्सा जो मैं बाकी आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये डेबिट कर रहा हूँ और मैं क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ। इसलिए जब सेलर पेरेंट कंपनी हो यानी पी सेल कर रही है गुड्स ए को, तो उसका इफेक्ट दो जगह हमारी बुक्स में जाएगा। एक तो हम इसको वर्किंग फाइव में से माइनस करेंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग से, और एक हम वर्किंग सिक्स में से इसको माइनस करेंगे। ये जो आपका ग्रुप रिटेन अर्निंग आ रहा है ये डिडक्ट होगा फ्रॉम वर्किंग फाइव, और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये डिडक्ट होगी वर्किंग सिक्स से, जो अभी हमने पढ़े इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये उसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये तो पहली सिचुएशन है अगर सेलर जो है वो मेरी पेरेंट कंपनी। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन में आता हूं, इफ सेलर इज सब्सिडियरी कंपनी इज एसोसिएट कंपनी, अगर सेलर मेरी एसोसिएट कंपनी है तो इसका मतलब ए जो है वो सेल कर रहा है गुड्स टू पी, गुड्स टू अच्छा जब ए सेल करता है गुड्स बी को, तो मुझे बताइए प्रॉफिट एलिमेंट किसकी बुक में आ रहा है। प्रॉफिट एलिमेंट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए, और ए का जितना प्रॉफिट है वो हम अपने बुक्स में जीआरई में लेकर आते हैं, तो लिहाजा अब अगर इसके अंदर ये ओवरस्टेट हुआ हुआ है प्रॉफिट, इसको हमने कम करना है, तो ये बिल्कुल जीआरई में से मैं इसको क्रेडिट करूंगा यानी डिडक्ट फ्रॉम जीआरई। तो सेम वही चीज नजर आई, तो इसका मतलब है कि हर सूरत में ये तो आपने याद रखना है, चाहे सेलर पेरेंट हो या सेलर एसोसिएट हो, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपका जो प्रॉफिट है एसोसिएट का वो इफेक्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेंट्री किसकी इफेक्ट हो रही है, इन्वेंट्री ऑफ पेरेंट कंपनी, और इन्वेंट्री तो हमारा एसेट है, हम इसको एसेट के पॉइंट से देखेंगे तो हम डिडक्ट कर देंगे इन्वेंट्री से। अब इसकी अगर एंट्री देखें तो हमारी एंट्री क्या बनी, जब मैं रिटेन्ड अर्निंग से लेस करता हूं यानी प्रॉफिट में लेस करता हूं, तो मैं डेबिट करूंगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग और क्रेडिट करूंगा यहां पर इन्वेंट्री को। अब इस एंट्री का इफेक्ट कहां कहां जा रहा है, जीआरई जैसे पहले पढ़ा है कि जीआरई विल डिडक्ट फ्रॉम वर्किंग फाइव, हम इसको वर्किंग फाइव से डिडक्ट करेंगे, और इन्वेंट्री जो है इसका किसी वर्किंग पे इफेक्ट नहीं आएगा, ये डिडक्ट हो जाएगी फ्रॉम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी की इन्वेंट्री है और पेरेंट कंपनी की इन्वेंट्री तो आनी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पी प्लस एस तो हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो जब इन्वेंट्री हम लेकर आएंगे पी कंपनी की और एस कंपनी की, इसको ऐड करने के बाद इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक
when the seller is associate company. ये दो चीजें अब हमने रिकॉर्ड करने, इसके अलावा एसोसिएट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है. तो लिहाजा वर्किंग सिक्स जो है, जो अभी हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उसमें हमने इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे. अब ये मुकम्मल मैं आपके सामने वर्किंग बना रहा हूँ, इनिशियल अमाउंट होगी, फिर इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है